लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हे पर मामू, ये तो तेरी आइडिया थी ना, क्या हुई? वाह मामू वाह, तू ये कलयुग की रावण। व्हाट? श्रावण, कलयुग की श्रावण। राखी सावन शर्मिला टैगोर को शर्म के पाठ पढ़ा रही है। तेरा मॉम शहर का सारा गरीबों का हेल्प करता है, तो क्या अपने घर की एक भिखारी की हेल्प नहीं करेगी? अब मैं अपने खून से लिख के देने के लिए तैयार हूँ। नहीं डोंट वरी मामू, खून तो हम बाद में चूस रही है। हे मामी, पर तू तो अभी बोला बुरे वक्त में तू मामा के साथ खड़ा रहेगा। पता था ये शहर का भाव बढ़ेगा ही पड़ेगा। हे सरप्राइज मामू, कैसी है? कुछ नहीं, मूड खराब है मेरा। हाँ क्या हुई? लोगों का फायदा करवाता हूँ, खुद इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। इतने कमाल की टिप मिली है मन मुझे कि अगर मुझे बड़ा लोन मिल जाए ना तो रातों रात करोड़पति बन जाऊं। अरे अगर लोन चाहिए तो अपने मॉम से मांग ले। मॉम देगी लोन? अरे तेरा मॉम शहर का सारा गरीबों का हेल्प करता है, तो क्या अपने घर की एक भिखारी की हेल्प नहीं करेगी? करे। व्हाट? अपने घर की एक गरीब की हेल्प नहीं करेगी? अपने बेटे की करेगी? मॉम्स आर इमोशनल फूल्स। यू आर राइट। गुड इवनिंग मॉम, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। अच्छा हाँ, बैठो बेटा। अरे बोलो बेटा। मॉम आटा गूंदू? आटा नहीं, लात मारू? लात? क्या हो गया उसको? नहीं हम हाँ। मॉम आप थक गई होंगी, आपके पैर दबा दूं? क्या तुम मेरे पैर दबाएगा? क्यों, एक बेटा अपनी माँ के पैर नहीं दबा सकता? वाह मामू वाह, तू ये कलयुग की रावण। व्हाट? श्रावण, कलयुग की श्रावण। नानी बहुत खुश है मामू, मांग ले तुझे जो मांगनी है मांग ले। अच्छा बस बेटा। हाँ मॉम, मुझे ना शेयर मार्केट से एक अच्छी सी टिप मिली है, इन्वेस्ट करूंगा ना तो 10 गुना रिटर्न मिलेगा। अच्छा हाँ। तुझे कितने पैसे चाहिए बेटा? ज्यादा नहीं मॉम, बस 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ। चलो दिए। ओके। लेकिन इसका क्या गारंटी कि तू हमको ये पैसे लौटा देगा? मॉम मैं अपने खून से लिख के देने के लिए तैयार हूँ। नहीं डोंट वरी मामू, खून तो हम बाद में चूस रही है। फिलहाल तो सिर्फ तू स्याही से लिख करके दे दे कि 15 दिन के अंदर अंदर तू ये पैसे हमको लौटा दे। राइट या मामू? चलो ये एग्रीमेंट पे साइन कर दे। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। और पोस्ट डेटेड चेक? हाँ मैं अपने साथ लेकर आया हूँ ना मॉम, ये लीजिए। थैंक यू मॉम, थैंक यू। नानी तेरी तीर एकदम निशाने पर लगी है। डूब गया सुकेतु, तू डूब गया, बिना टाइटैनिक में बैठे डूब गया। मॉम आप यहाँ? आना ही पड़ा बेटा, ये क्या है? चेक है। हाँ चेक है जो बाउंस हो गया है। अच्छा मेरे पैसे कहाँ हैं सुकेतु? अब वो अच्छी टिप लेकर इन्वेस्ट किए थे पर टिप भी तुम्हारी तरफ फ्लॉप हो गई है ना? मॉम लौटा दूंगा ना पैसे। और अगर नहीं लौटाए तो क्या करोगी? केस करोगी मुझ पे? जेल भिजवाओगी? Not a bad idea. Man, जरा पुलिस स्टेशन फोन लगाना बेटा। Already लगा दिया नानी। That's my boy. What? Mom, you can't do this. I just did. I know. Hello, LC Road Police Station. जी एक क्रिमिनल है। जी उसका नाम मामू है। Sorry, सुकेतु मामू। No, let me. एक मिनट वो बात करेंगे। हाँ। Hello, no, this is. Sorry, I thought वो बात करेंगे। तो कहाँ पहुँचे? आप गाड़ी भेजेंगे, हम गाड़ी लेके आए? Mom, please, please मुझे जेल में मत डालिए Mom, please. Hey, पर मामू, ये तो तेरी आइडिया थी ना? चलिए इंस्पेक्टर साहब, कंप्लेन लिखवाइए। मम्मी जी, आप अपने ही बेटे के खिलाफ कंप्लेन कर रही हैं, शर्म नहीं आती? ये लो, राखी सावन शर्मिला टैगोर को शर्म के पाठ पढ़ा रही है। शट अप! आप सुकेतु की माँ हैं,
उसके बुरे वक्त में मेरी तरह आपको भी उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। ओ बोलिए गुप्ता जी, कहिए ना। सच? मैं नहीं मानती, मैं अभी आती हूँ। आस्था तुम कहाँ जा रही हो? सुकेतु, गुप्ता जी का फोन है। SRK के ऑपोजिट मुझे हीरोइन का रोल मिल गया है। अभी लुक टेस्ट है, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ है मामी, पर तू तो अभी बोला बुरे वक्त में तू मामा के साथ खड़ा रहेगा। अरे अगर मैं यहाँ खड़ी रही तो फिल्म निकल जाएगी। हाँ गुप्ता जी, मैं निकल गई हूँ, मैं टैक्सी में हूँ, मैं बस आ गई गुप्ता जी। आस्था मम्मी जी, प्लीज हैंडल हिम। आस्था आस्था आ भारती, ये क्या लगा रखा है तुमने? सुकेतु को जेल में डलवा दिया, क्या कसूर है इस बेचारे का? इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे जो अभी तक लौटाए नहीं। तो माँ होकर बेटे को जेल में डालोगी? अरे मदर इंडिया में तो माँ ने अपने बेटे को गोली मार दी थी, मैंने तो सिर्फ इसे जेल में डाला है। ओह शट अप, कितने पैसे उधार लिए थे इसने? मैं अभी चेक देकर तुम्हारे मुंह पे मारता हूँ। हाँ लिख ना लू, लिख 1 करोड़ का चेक लिख और मार हमारे मुंह पे। 1 करोड़? क्या ओनली 1 करोड़? हरामखोर, तूने 1 करोड़ रुपए फूंक डाले। 25-50 हजार होते तो तुझे छुड़ा भी लेता। इडियट। हे नानू, तेरी इज्जत सिर्फ 25-50 हजार की है? ओह शट अप, आई एम जस्ट आस्किंग। भारती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सक्सेस तुम्हारे सर चढ़कर बोल रही है। अरे ये खून है अपना। अपना खून है तो क्या जिंदगी भर हमारा खून पीते रहेंगे ये लोग? जो गलती करेगा वो भुगतेगा, और अगर इसने गलती की है तो भुगतने दीजिए ना इसे। और वैसे भी आपका क्लब जाने का वक्त हो गया ना, आप जाइए ऐश कीजिए या तो फिर कैश दीजिए। पापा पापा, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। चले भैया। क्या आंखें फाड़ के देख रहा है? ये जेल है, तेरी माँ का घर नहीं कि मक्खन वाले पराठे आएंगे, चुपचाप खा ले, समझा क्या? सुकेतु तू भी एक ये क्या कर रही हो मॉम? इरिटेट मत करो, तुम्हें पता है ना कि मक्खन वाले पराठे मैं नहीं खाता, मेरे लिए सूप और सैलेड लेकर आओ। चल बाहर निकल, तेरी माँ ने कंप्लेंट वापस ले ली है। अभी भी सोच रहे नानी, इस चीटर को छुड़वानी है तुझे? मन मैंने इसे 9 महीने अपने कोख में रखा, अपना खून देकर सींचा है मैंने इसे। अगर इसने इस बात का भी सिला नहीं दिया और मेरे साथ चीटिंग की तो ये 1 करोड़ का धोखा तो बहुत मामूली सी बात है बेटा। छुड़वा दे उसे। माँ तुम ठीक कहती थी, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी नहीं सुनी, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। नहीं बेटा, तू जेल में रहेगा तो ये तेरी सजा नहीं, मेरी सजा होगी। माँ खान साहब आ गए? हाँ आ गए मैम, शॉट भी रेडी है, चलिए। हाँ हाँ चलो चलो।
मीटिंग के पहले दिन ही बिल्ली ने रास्ता काट लिया। नानी, मामी भी इधर है। अरे मामी, तू भी यहाँ शूटिंग कर रहा है? नानी का भी यहाँ एड का शूट है। पर मेरा तो फिल्म का शूट है, मैं छोटे मोटे एड फिल्म्स नहीं करती। All the very best, Bahu. Thank you, Mummy ji. You're more than welcome. Please do not mention, Mummy ji. अब मैं भी स्टार बन जाऊंगी, स्टार। मेरा शॉट रेडी है, प्लीज एक्सक्यूज मी। स्टार बन जाऊंगी, स्टार। चुप। स्टार। बदमाश। चल। मेरे गधे। Yes sir. हिरन को शॉट समझा दिया? हाँ सर, समझा दिया। डायरेक्टर साहब, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। आप सीन करिए ना। वैसे भी मैं वन टेक आर्टिस्ट हूँ। वन टेक आर्टिस्ट है? चबा। या कहाँ सबको बुला? यस सर। इडियट। टेक। खान साहब, शाहरुख खान साहब, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। वो आकर कहेंगे अपनी आंखें खोलो किरण। Oh my God, वो आ गए। अपनी आंखें खोलो किरण। क्या हुआ? ये कौन है? TRK तुरंत खान, अपने फिल्म का हीरो। चीटिंग है, मुझे कहा गया था इस फिल्म का हीरो SRK है, पर ये तो डुप्लीकेट है। मैडम, बॉलीवुड में हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ओरिजिनल SRK के साथ फिल्म बनाने का सपना लेकर आता है और डुप्लीकेट पे सेटल हो जाता है। पर मुझे तो कहा गया था ओरिजिनल SRK है, फिर मैं डुप्लीकेट के साथ कैसे करूं? अरे कहा तो मुझे भी गया था कि इस फिल्म की हीरोइन कैटरीना और करीना होगी, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ एडजस्ट कर रहा हूँ ना। अगर तुझे काम करना तो करने, तो चल निकल यहाँ से, निकल। आप तो नाराज हो गए मिस्टर डुप्लीकेट। आई मीन तुर्रम खान जी, मैं भी एडजस्ट कर लूंगी। हरी मिर्च प्रोडक्शंस, सिंदूर या कलंक, सीन वन, शॉट वन, टेक वन, एक्शन। एक चुटकी की कीमत, आप क्या जानो कमल बाबू। करेक्ट। सिंदूर कहाँ है? सर यहाँ है। वो दिख रहा है, डायलॉग वाला कहाँ है? सॉरी भूल गई सर। चलो वन मोर, टेक टू, एक्शन। एक सिंदूर की कीमत, आप क्या जानो कमल बाबू। सिंदूर तो आ गया, चुटकी कहाँ गई? चुटकी सर, पिछले टेक में बोला था ना चुटकी। तो इस टेक में कौन बोल गया? मेरा बाप। सर आपके बाप क्यों बोलेंगे, मैं ही बोल देती हूँ। तो बोलो ना। मनमोर, मनमोर, टेक इट, एक्शन। एक चुटकी, एक सिंदूर, एक चुटकी, एक सिंदूर की एक कीमत। अरे एक छापड़, एक घुसा, एक लात से कोई तो मारो यार। सॉरी सर, एक और। एक 18, एक्शन। एक मटकी सिंदूर की कीमत। अरे मटकी नहीं रे, चुटकी, चुटकी। टेक 22, मटकी, एक्शन। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, आप क्या जानो गुलाब बाबू। ये गुलाब कहाँ से है यार? ये गुलाब कहाँ से है? गुलाब बाबू नहीं है, कमल बाबू है, कमल बाबू। लोटस, लोटस, छट साला। टेक 35, अच्छा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, आप क्या जानो लोटस बाबू। लोटस नहीं है मेरी माँ, कमल बाबू है, कमल बाबू। अरे लोटस नहीं, क्या है? कमल बाबू। टेक 49, 49, 49, अच्छा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, आप क्या जानो कमल साबू। साबू, अरे सब बना दिया इसने मुझे, सब बना दिया। अरे ये तो बिना साबू में करियर को धो डालने वाली है। सर सर, वन लास्ट टेक सर। टेक 64, अच्छा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, आप क्या जानो जानो माउंट आबू। अरे इस चप्पल को कौन आया? चार घंटे से एक डॉलर नहीं बोल पा रही है। तेरे बाप ने कभी एक्टिंग की है कभी? अरे जो उठा के बाहर देखो, पकड़ जबान। बस कीजिए भारती मैम,
ये कोई तरीका है एक औरत से बात करने का? मैडम क्या बताऊं, 4 घंटे से बजा रही है दिमाग का घंटा। आप पैकअप मत कीजिए, हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए, वो वापस आकर शॉट देगी और अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो आज की शूटिंग का खर्चा मैं दूंगी।